रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। उठ चल दौड़ कूद भाग, उठ चल दौड़ कूद भाग, और जब तक मत रुक जब तक तेरा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जय हिंद जय भारत। साथियों, आप सभी को पता है पीएस स्टडी से रिलेटेड एक चैनल है जिस पर हमने मैपिंग की क्लास कर ली है। 7 महाद्वीप 5 महासागर हम पढ़ चुके हैं पीएस स्टडी पर। उसके बाद हमने 6 महीने का साइंस एंड टेक का सारा करंट अफेयर भी कर लिया है। हमने मौलिक अधिकार भी कर लिए हैं यहाँ पर, और अभी हमारी 6th से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें हम अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी करेंगे। आप सभी को पता है एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है सभी एग्जाम के लिए, 6th से 12th के लिए एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 है, 12 तक हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा चैप्टर 13 है। 13 क्या है? ऑस्ट्रेलिया भूमि जलवायु साधन और उनका उपयोग। ऑस्ट्रेलिया भूमि जलवायु साधन और उनका उपयोग हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर परिचय देखेंगे, भूमि जलवायु देखेंगे, फिर उसमें हम साधन देखेंगे। साधन में वन्य प्राणी, पशुपालन, फसलें, खनिज और उद्योग देखेंगे, जनसंख्या, व्यापार और यातायात हम यहाँ पर देखेंगे। तो परिचय में क्या है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, यानी कि पड़ता है। आप सभी ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसकी राजधानी कैनबरा है। इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कंगारू है जो कि एक पशु है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आज हम इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, कैसी यहाँ की भूमि है, कैसी जलवायु है, क्या इसका परिचय है, कौन कौन सी नदियां इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो परिचय में क्या है? ऑस्ट्रेलिया की खोज कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक एक नाविक था, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ एक ये देश है, जैसे महाद्वीप हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है और ये पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ एक देश है। द्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूमि स्थल जो पानी से चारों साइड से घिरा हुआ हो, वैसे ये भी पानी से चारों साइड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी राजधानी कैनबरा है। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। पूर्णतया विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगर आप इसे देखोगे तो इसके ये दक्षिण रेखा के बिल्कुल विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। जैसे कि ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल ये दक्षिण में पड़ जाता है, इससे होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो पूर्णतया विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ इसके मध्य से गुजरती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही मकर रेखा 23.5 डिग्री बिल्कुल मध्य से इससे गुजर रही है। भारत के क्षेत्रफल का दुगना इसका क्षेत्रफल है। जितना भारत का क्षेत्रफल है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, इससे भी दुगना यानी कि इस दुगने से भी ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। फिर है पश्चिम में हिंद व पूर्व में प्रशांत महासागर से और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसके हिंद महासागर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमने दिशाएं पढ़ी थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कि यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे।
जहाँ हमारा राइट हैंड होगा वहां पर हम पूरब लिखेंगे, जहां पर लेफ्ट हैंड होगा वहां पश्चिम लिखेंगे, सर की साइड उत्तर लिखेंगे और पैरों की साइड दक्षिण लिखेंगे। हमेशा ही हमारे राइट हैंड की साइड पूरब होगा, लेफ्ट हैंड की साइड पश्चिम होगा, सर की साइड उत्तर होगा और पैरों की साइड दक्षिण होगा। उत्तर पूर्व दिशा कहाँ होगी? तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होगी, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में पूर्व दक्षिण दिशा होगी, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में पश्चिम दक्षिण दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होगी। तो यहाँ पर ये आपको दिशाओं का ज्ञान करना है, रीजनिंग मैथ्स जहां पर भी ये दिशाएं पूछी जाती हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो वहां पर आपको ये काम आएगा। तो इसकी राजधानी कैनबरा हो गई, पूर्णतया विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, मकर रेखा लगभग मध्य से गुजरती है, भारत के क्षेत्रफल से भी दुगना इसका क्षेत्रफल है, पश्चिम में हिंद महासागर से। अब हमने देख लिया पश्चिम कहाँ होगा, इधर, यानी कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पश्चिम में, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और इसके पश्चिम में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में, इसके उत्तर में कोई महासागर नहीं है क्योंकि ये छोटे मोटे द्वीप आ जाते हैं और नीचे अटलांटिक महासागर है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि तीन ओर से ये महासागर से घिरा हुआ है, पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर से। 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। तो 6 राज्य आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इसका परिचय हो गया कि 1770 ईस्वी में जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरे महाद्वीप पर फैला एक देश है, द्वीपीय देश है क्योंकि पानी से भी घिरा हुआ है। राजधानी इसकी कैनबरा है, पूर्णतया विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, मकर रेखा लगभग मध्य से गुजरती है, भारत के क्षेत्रफल से भी दुगना इसका क्षेत्रफल है, पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से घिरा है। 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें पाए जाते हैं, इसमें है। अब हम देखते हैं भूमि और जलवायु, इसकी भूमि कैसी है और इसकी जलवायु कैसी है। तो हम देखेंगे ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने यहाँ पर मैप में देखा था। तो हम यहाँ पर इसकी भूमि को बांटेंगे कि 3 प्रकार की इसकी भूमि पाई जाती है पूरी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि वेस्ट यानी पश्चिम में स्थित है, ये वाला नॉर्थ यानी उत्तर में स्थित है तो इसे नॉर्दर्न टेरिटरी कहते हैं, ये साउथ में स्थित है तो इसे साउथर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये यहाँ पर एक क्वींसलैंड राज्य है, यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप 6 राज्य देख सकते हैं। अब इसकी भूमि पढ़नी है, पहले हमें भूमि को बांटते हैं। पश्चिमी पठार यानी कि जो पश्चिम में इसका भाग स्थित है उसे हम पश्चिमी पठार कहते हैं, यानी वहां पर बहुत सारे पठार है इस वजह से इस भूमि का नाम पश्चिमी पठार रख दिया है। जो इसका मध्यवर्ती भाग है वो कैसा है? तो वो निम्न भूमि है, यानी पश्चिम का भाग पठार हो गया, मध्य का भाग निम्न भूमि हो गई जो नीचा है, जहां पर वर्षा वगैरह कम होती है, कृषि वगैरह कम होती है, उस क्षेत्र को निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। तो बीच का भाग निम्न भूमि है और अगर हम पूरब की बात करें तो वो उच्च भूमि है यानी कि उठा हुआ है, वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ी होने की वजह से वहां पर वर्षा भी होती है। तो ये हमारा हो गया पठार, पश्चिम का भाग पठार, मध्य का भाग निम्न भूमि और पूरब का भाग उच्च भूमि, इस तरह से हमने इसे बांट दिया। अब हम इसकी पठारों में कैसा यहाँ का भूमि है वो भी देखेंगे। देखो पश्चिम में जो पठार है, आप सभी को पता है जहां पर पठार पाए जाते हैं वहां पर बहुत बड़ा मरुस्थल होता है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, जो पश्चिमी इसका पठार है वो बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो ये वाला जो भाग है इसका मरुस्थलीय है, यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, पुरानी चट्टाने हैं, यानी यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चट्टाने पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर खनिजों के भंडार भी हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, मरुस्थल होने की वजह से खनिजों के भंडार हैं यहाँ पर।
जैसे लोहा हो गया, लोह अयस्क हो गया, सोना हो गया, इसके यहाँ पर बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। अब आप कहेंगे जब ये पठार है, यहाँ पर मरुस्थल है, तो भारी वर्षा क्यों होती है? कारण क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, और भी यहाँ पर महासागर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे और भी यहाँ पर सागर हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मानसून सामान्य रहता है। पढ़ने को तो इसमें बहुत गर्मी पड़नी चाहिए क्योंकि ये मरुस्थल है, क्योंकि ये महासागर के बीचों बीच स्थित है, इस वजह से जो पवनें चलती हैं वो इसके मौसम को ज्यादा गर्म नहीं होने देती हैं, यहाँ के टेम्परेचर को ज्यादा गर्म नहीं होने देती हैं। जो भी तटीय क्षेत्र का टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है और इसी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा भी होती है, क्योंकि यहाँ से जो पवनें जाती हैं उसके कारण यहाँ वर्षा होती है, क्योंकि पठार भी हैं और छोटी मोटी पहाड़ियां भी हैं, हमने देखा यहाँ पर, तो उनसे टकराकर के बारिश यही हो जाती है। और बीच वाला क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल शुष्क रहता है, यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती है बीच वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ से बारिश इधर तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ कैसे बारिश होगी? यहाँ पर भी बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत इधर से, है ना, ऊपर नहीं होती, तो ये वाला क्षेत्र बिल्कुल खाली रहता है, बारिश नहीं होती, जनसंख्या भी बहुत कम रहती है और यहाँ पर कृषि भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो पश्चिमी पठार मरुस्थल है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पुरानी चट्टानें हैं, खनिजों के यहाँ पर भंडार हैं, जैसे लौह अयस्क और सोना, भारी वर्षा होती है यहाँ पर। फिर यहाँ की जलवायु कैसी है पश्चिमी पठार की? ये तो हमने भूमि देखी कि यहाँ की भूमि ऐसी है, मरुस्थल है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पुरानी चट्टानें हैं, खनिजों के भंडार हैं यहाँ पर, और भारी वर्षा भी होती है। अब इसकी जलवायु कैसी है? तो शुष्क व ऊष्ण यहाँ की जलवायु है। शुष्क का मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी से जो ड्राई होती है, सूखी वर्षा होती है, उसे कहते हैं शुष्क। वह ऊष्ण का मतलब यहाँ का गर्म टेम्परेचर रहता है, गर्म जलवायु है, लेकिन तटीय जलवायु के कारण तटीय तट पर जो जलवायु है वो सामान्य रहती है। तो यही कारण है जो हमने बताया कि यहाँ पर भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, अदरवाइज ये मरुस्थलीय एक देश है, उसके कारण यहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा कृषि नहीं की जाती, हालांकि ये भी एक कृषि प्रधान देश है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी कृषि नहीं की जाती जितनी यहाँ का डेवलपमेंट, जैसे जापान को हम देखते हैं ना, वैसे इसी तरह से खनिजों वगैरह के आधार पर ही इसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मध्यवर्ती निम्न भूमि हमने पढ़ लिया, क्या है ये निम्न भूमि? ऐसा जो नीचे का क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा कम होती है, कृषि नहीं कर पाते, जनसंख्या नहीं रहती, उस क्षेत्र को हम निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है? कार्पोट्रिया की खाड़ी से लेकर के दक्षिण तक तट तक ये भला भाग, मध्यवर्ती भाग फैला हुआ है, यानी मध्यवर्ती भाग ऊपर से लेकर के नीचे दक्षिण तट तक फैला हुआ है। उसके बाद है मर्रे, डार्लिंग और मर्रे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। एग्जाम में भी आता है कि मर्रे कहाँ की नदी है? मर्रे ऑस्ट्रेलिया की नदी है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और जो उत्सुप्त कूप है यहाँ पर वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जनसंख्या रह लेती है। अगर ये उत्सुप्त कूप है वो यहाँ पर ना हो तो शायद ये वाला जो स्थान है, ये वाली जो भूमि है वो एकदम खाली रहे। अब ये होते क्या है उत्सुप्त कूप? इनमें होता है कि कुएं होते हैं टैंक के, जिनमें से धरातल से स्वयं ही पानी निकलता रहता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि खुद ही अपने आप ही इनमें से पानी निकलता रहता है, जिसका कि यहाँ की जनसंख्या उपयोग करती है और अपनी जो भी जरूरत की चीजें होती है उसके लिए इसे यूज करती है। तो यहाँ का जो पानी की उपयोगिता को पूर्ति करते हैं वो कौन करते हैं? उत्सुप्त कूप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्रे और डार्लिंग एक दो नदियां हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी मरुस्थल है, कोई निम्न भूमि भी है, तो यहाँ पर जो उत्सुप्त कूप है वो यहाँ की इस आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं लोगों की पानी की। फिर यहाँ पर अंतःस्थलीय नदियां हैं, जो मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं। अंतःस्थलीय ऐसी नदियां होती हैं जो महासागरों में नहीं गिरती हैं, बल्कि वहीं पर स्थित भूमि में ही वो प्रवाहित हो जाती हैं।
ऐसी नदियों को हम अंतस्थली यानी कि अंदर ही अंदर ही वो प्रवाहित हो गई और किसी भी महासागर किसी भी सागर में जाकर नहीं मिली, देश से बाहर वो नहीं गई। ऐसी नदियों को हम अंतस्थलीय नदियां कहा जाता है यानी कि अंदर ही स्थल में वो दब गई, उसमें चली गई। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आयर झील भी पाई जाती है। आयर झील कहाँ की है तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया की है। वर्षा यहाँ पर कम होती है, शुष्क जलवायु है और यहाँ पर कृषि व जनसंख्या भी कम पाई जाती है और खनिज भी कम पाए जाते हैं। आप सभी ये कारण देख सकते हैं, मैंने इसका कारण बताया है कि क्या कारण है। तो निम्न भूमि कार्पेट्रिया की खाड़ी से दक्षिण तक स्थित है। मर्रे डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। उत्सुप्त कूप यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो कि लोगों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अंतस्थलीय नदियां हैं यहाँ पर, आयर झील है, वर्षा कम होती है, शुष्क जलवायु है, कृषि जनसंख्या और खनिज यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। कारण क्या हो गया कि निम्न भूमि क्षेत्र है पहला, दूसरा यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, तीसरा है यहाँ की जलवायु है वो बहुत ही ज्यादा ऊष्ण है, बहुत ही ज्यादा शुष्क है। लोग यहाँ की जलवायु में जलवायु को सहन नहीं कर सकते हैं। फिर है पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि में क्या है, बता चुकी हूँ उच्च भूमि क्या होता है। तो पूर्वी उच्च भूमि में केपयार्ड प्रायद्वीप से लेकर के दक्षिण में तस्मानिया तक फैला है। केपयार्ड प्रायद्वीप से लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं प्रायद्वीप होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है। तो ये वाला आप जो देख रहे हैं वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो ये इसका निकला हुआ है, इसे ये कहाँ से फैला हुआ है, केपयार्ड प्रायद्वीप से। तो ये केपयार्ड प्रायद्वीप है और इससे दक्षिण में तस्मानिया तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप तस्मानिया सी भी देख सकते हैं, यहाँ तक ये फैला हुआ भाग है जिसे हम पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं तो एक रेंज पाई जाती है। रेंज का मतलब होता है एक पहाड़ी टाइप की, ओके। तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि उत्तर में चौड़ी तथा कम ऊंची है। उत्तर में देखोगे कम चौड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है इसे फैलने के लिए, बीच में नीचे जाके चौड़ी हो जाती है। तो उत्तर में चौड़ी कम ऊंची तथा दक्षिण में कम चौड़ी और अधिक ऊंची है। फिर यहाँ पर मानसून पवनों से यहाँ पर वर्षा होती है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो ये सी का पानी है वो इसकी वर्षा करता है, वर्षा का कारण होता है। तो यहाँ पर मानसून पवनों से वर्षा होती है। ये यहाँ का हो गया पूर्वी उच्च भूमि, केपयार्ड प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर पाई जाती है। तो आपसे जब भी पूछा जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाई जाती है तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड पाई जाती है। उत्तर में ये चौड़ी है, कम ऊंची है, दक्षिण में ये कम चौड़ी है लेकिन अधिक ऊंची है। यहाँ पर मानसून पवनों से वर्षा होती है। तो वर्षा किससे होती है, मानसून पवनों से। वैसे यहाँ पर वर्षा कम होती है लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर जो यहाँ की जलवायु है वो कैसे है, ऊष्ण है। बीच की ऊष्ण हो जाएगी, यहाँ की भी ऊष्ण हो जाएगी लेकिन वही है कि तटीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है जल से, समुद्र के जल से। फिर यहाँ की जलवायु देखते हैं पूर्वी उच्च भूमि की। उत्तर तट के पास प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति मूंगे की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिनको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। और प्रवाल का निर्माण कैसे होता है, तो प्रवाल का निर्माण ये प्रवाल की एक मतलब प्रवाल जैसे मर जाते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं प्रवाल, ठीक है। और जब वो मर जाते हैं तो उनकी खोल होता है जो उसकी चट्टानें लगती जाती हैं, इस तरह से प्रवालों का निर्माण होता है, ओके। तो आप सभी को पता चल गया कि प्रवाल भित्ति क्या है, मूंगे की चट्टानों की एक बड़ी सी दीवार है जिसे हम प्रवाल भित्ति, प्रवाल का मतलब प्रवालों की, भित्ति मतलब दीवार, यानी कि प्रवालों की दीवार को ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवालों का निर्माण कैसे होता है, तो प्रवाल एक छोटा जीव होता है, जब वो मर जाते हैं तो उनका उसका जो खोल होता है ऊपर का, ठीक है, उसका वहां पर ढेर लगता जाता है और इस तरह से प्रवालों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं जो कि 1900 किलोमीटर लंबी है। प्रवालों का निर्माण कैसे होता है बता चुकी। फिर यहाँ की जलवायु कैसी है, भारी वर्षा होती है, तटीय जलवायु यहाँ की सामान्य रहती है तथा आंतरिक भागों में उष्ण और शीतोष्ण जलवायु
पाई जाती है। जैसे कि ज्यादा ठंडी होगी तो ज्यादा ठंडियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है, इसे हम उष्ण और शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। वहीं पर तटीय क्षेत्रों में जब गर्मी होती है तो जो समुद्र का पानी होता है वो वहां की जलवायु को नॉर्मल कर देता है, यानी कि ठंडी कर देता है। और जब तटीय क्षेत्रों में गर्मी होती है, ठंडी होती है, तो जो समुद्र का पानी होता है वो उसे गर्म कर देता है। तो अपोजिट करने का काम करता है। जब भूमि गर्म होती है तो समुद्र का पानी उसे ठंडा करता है, और जब भूमि ठंडी होती है तो समुद्र का पानी उसे गर्म करता है। क्योंकि पानी और जो स्थल होता है वो देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं। स्थल हमारा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी हमारा देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जलवायु। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साधन और उनका उपयोग। अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो पश्चिम का पठार है हमारा वो मरुस्थल है और यहाँ की जलवायु शुष्क और ऊष्ण है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने की वजह से सामान्य टेम्परेचर रहता है। वहीं पर मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि है और ये वाला जो टेम्परेचर है यहाँ पर उष्ण और शुष्क रहता है। थोड़ी बहुत जैसे सर्दियों में शीत ऋतु आ जाती है, यहाँ पर गर्मियों में उष्ण ऋतु आ जाती है। बाकी इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती बीच वाले क्षेत्र में। वैसे ही पूरब वाले क्षेत्र में है कि आसपास से वर्षा हो जाती है समुद्रों से, वैसे और तटीय क्षेत्रों में यहाँ ज्यादा जनसंख्या रहती है। इस तरह से आप यहाँ की जलवायु देख सकते हैं। उसके बाद हम साधन और उनका उपयोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साधन और उनका उपयोग। तो यहाँ देख सकते हैं वन। वन कैसे पाए जाते हैं यहाँ पर, मुख्य वृक्ष है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यहाँ का मुख्य वृक्ष है, जो कि एक सदा हरित वृक्ष है। यूकेलिप्टस आपने देखा होगा काफी लंबा और एक व्हाइट सा एक पेड़ होता है। तो यहाँ पर मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है, जो कि 90 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। जारा और कारी इसकी मुख्य मूल्यवान लकड़ियां हैं। आपने सुना होगा जारा की लकड़ी या फिर कारी की लकड़ी, वो सब यूकेलिप्टस पेड़ से ही मिलती हैं और एक मूल्यवान लकड़ी होती है ये। ओके, यहाँ पर बेटल्स एक सामान्य वृक्ष पाया जाता है। एक यूकेलिप्टस हो गया, एक सामान्य वृक्ष बेटल हो गया। आंतरिक भागों में घास झाड़ियां पाई जाती हैं। कारण क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं पाए जाते हैं इस ऑस्ट्रेलिया में, कारण हो गया वही वर्षा की कमी और मरुस्थल होना। तो आंतरिक भागों में घास झाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ पर। तटीय क्षेत्रों में वन प्रदेश, बहुत बड़े बड़े वन प्रदेश हैं, बहुत बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, जैसे ताड़, बांस, भूर्ज और देवदार के वृक्ष, ये बड़ी मात्रा में ये सब पाए जाते हैं। कारण क्या हो गया, तटीय जलवायु, तट से होने वाली वर्षा। फिर यहाँ पर घास को हम दो भाग में बांट सकते हैं, ऊष्ण और शीत। ऊष्ण की हम जो घास होती है उसे हम उत्तरी सवाना कहते हैं, और शीत में जो शीत क्षेत्रफल में जो घास पाई जाती है उसे हम शीतोष्ण घास कहते हैं। तो ये साधन और उनका उपयोग हो गया। साधन और उपयोग में सिर्फ हम वन ही नहीं पढ़ने वाले हैं, वन पढ़ेंगे, वन्य प्राणी, पशुपालन, फसलें, बट यहाँ पर हमने वन पढ़ लिए और वन्य प्राणी पढ़ेंगे, फिर जो होगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो वन यहाँ पर मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस हो गया, जिसे हम सदाहरित वन कहते हैं। वेटल वृक्ष यहाँ का सामान्य वृक्ष है। आंतरिक भागों में घास झाड़ियां पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्र वन प्रदेश है, जिसमें ताड़, बांस, भूज और देवदार के वृक्ष बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। घास यहाँ पर दो प्रकार की पाई जाती है, जहां पर ऊष्ण क्षेत्रफल होता है वहां पर ऊष्ण घास पाई जाती है, और जहां पर शीत क्षेत्रफल होता है वहां पर शीत घास पाई जाती है। अब यहाँ के हम वन्य प्राणी और देख लेते हैं। इसमें अभी हमारे पूरे वन्य प्राणी नहीं है, कल की क्लास में हम पूरा वन्य प्राणी करेंगे और फिर पशुपालन, फसलें, खनिज उद्योग ये सब देखेंगे। तो वन्य प्राणी में कंगारू यहाँ का प्रतीक चिन्ह है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। घास एवं पेड़ों की पत्तियां खा करके ये जीवित रहता है, यानी कि शाकाहारी जीव है कंगारू, और ये यहाँ का प्रतीक चिन्ह भी है। ओके, आपने सुना होगा कंगारू की टीम जब ये खेलने भी जाते हैं क्रिकेट वगैरह में, तो इन्हें कंगारू के नाम से ही जाना जाता है, जो क्रिकेट टीम होती है। फिर घास एवं पेड़ों की पत्तियां खाकर ये जीवित रहते हैं कंगारू। कोला यहाँ पर, कोला भी एक जीव है, जो कि चपटी चौड़ी काली नाक का होता है, भालू जैसा दिखता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। तो कोला हो गया और कंगारू हो गया, यहाँ के दो वन्य प्राणी हो गए, बाकी हम कल करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।